सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगे। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में किस्मत दस्तक नहीं देती हो, लेकिन समय पर द्वार नहीं खोलने पर वह अगले द्वार पर चली जाती है। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है, वो हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा होता है। आज का पंचांग 3 अप्रैल 2024 दिन बुधवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि शाम 6:29 तक रहेगी। इसके उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र रात्रि 9:45 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:30 से 2:02 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। आज आप खुद को अधिक समर्पित अनुभव करेंगे और सारा लंबित काम निपटा लेंगे। ये सारा काम खत्म करके आपको एक तरह की संतुष्टि मिलेगी जिसे आपके अन्य करीबी भी नोट करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि आपको घर और कार्यस्थल दोनों ही जगह अधिक सराहना मिलेगी। स्थान परिवर्तन करने संबंधित प्लानिंग कर रहे हैं तो ग्रह स्थिति आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। अगर वाहन लेने की योजना बना रहे हैं तो उत्तम समय है। अचानक ही किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आप अपने कार्य में पारंगत हैं, लेकिन जरूरी बातों को नजरअंदाज नहीं करना है। व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ी बातों में संतुलन बनाना होगा। काम पर फोकस बनाए रखिए। काम के लिए सकारात्मक रहना होगा। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयत्न बढ़ाने होंगे। महिलाओं को काम संबंधित तनाव और निराशा रहेगी। नए अवसर मिलेंगे। पार्टनर के बारे में चिंता छोड़कर अपने जीवन पर ध्यान देना जरूरी है। वजन संबंधित दिक्कतें दूर करें, तभी सेहत में सुधार होगा। सावधानियाँ, यह समय बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करने का है। व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें। कोई पैतृक संपत्ति संबंधित मामले को लेकर तनाव रह सकता है। आप भी शंकालु स्वभाव को बदलें तथा लचीलापन लेकर आएं। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर कहा सुनी होगी। अपने गुस्से पर काबू रखें। प्रेम संबंधों में नजदीकियां भी आएगी। अच्छा, आपको अपने पार्टनर से बात करने के लिए काफी धीरज से काम लेना होगा। अगर शांति बनाए रखनी है तो सोच समझकर बोलें। छोटी मोटी कहा सुनी भी गंभीर रूप धारण कर सकती है। हालांकि ऐसा कभी कभार ही होता है, इसे अधिक तूल ना दें। अगर देंगे तो जीवन की किसी भी अच्छी चीज को खो देंगे। आज चुप्पी साधना सबसे बेहतर रहेगा। बात करते हैं करियर की। जिन परिस्थितियों पर आप लंबे समय से लग्न के साथ कार्य कर रहे थे, आज इस मोड़ पर आप उन्हें सार्वजनिक कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी शैली में मंच पर आगे की ओर सांस से रुक कर सकते हैं। आपके काम की विशिष्टता आपको सम्मान दिलाएगी जब यह सबके सामने आएगी। हालांकि गोपनीयता बनाकर रखना समय की मांग है। व्यवसायिक गतिविधियों पर आपका पूर्ण नियंत्रण रहेगा। कारोबार की योजनाओं को सीक्रेट रखें, कोई इनका फायदा उठा सकता है। नौकरी पेशा लोगों की भी ऑफिस तथा सहयोगियों के बीच मान सम्मान व साख बनी रहेगी। बात करते हैं सेहत की। डायबिटीज से परेशान लोग अपना विशेष ध्यान रखें। खान पान को भी संयमित रखना आवश्यक है। आप आज खुद को थोड़ा अनियंत्रित सा महसूस करेंगे। काफी मेहनत भरे वर्क और सेशन के बाद आप खुद को चॉकलेट का तोहफा देने वाले हैं। लेकिन इससे पर तो आपको नियंत्रण करना है। चॉकलेट केक की बजाय कुछ कम कैलोरी वाला मीठा खाएं। अगर जिम प्रशिक्षण की बताई हुई डाइट पर नहीं चलेंगे तो आपको शेप में आने में बहुत समय लग जाएगा। आज का उपाय, आज आप भगवान शिव जी की विधिवत पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।